तू हमारा खाना भी बना देगा? पूरी पलटून का बना रहा हूँ बाबू, तुम चारों ने बनवाना है तो अपनी अपनी कंपनी एड मुझ पर कुर्बान करो। ऐसा खाना खिलाऊंगा कि तुम्हारी माओ ने भी नहीं खिलाया होगा। रहे ना रहे ये जीवन कभी बनिए रहे दोस्ती है तेरी कसम ओ यारा मेरे जुदा हम ना होंगे कभी हमेशा रहे तू साथी मेरा ये बंधन रहे तू सदा है ताकत तेरी है कुवत मेरी बड़े ये मेरी ये दुआ ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहता कयामत हो 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 चलो भाई उठो 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 रोटी तैयार हो गई उठो चल भाई अपनी अपनी कंपनी एड हलाल करने का वक्त आ गया है मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इस जंगल में भी अपनी नेमतों से नवाजा हम तेरा शुक्र अदा करने के काबिल ही नहीं हैं अल्लाह हम तुझसे वादा करते हैं कि अगर तेरी इस नेमत यानी कि साग में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया हो तो भी हम पकाने वाले को कोई इल्ज़ाम नहीं देंगे बल्कि सब्र करते हुए खा लेंगे आमीन आमीन बिस्मिल्लाह जेंटलमैन तुम सब ने वादा किया था कि अल्लाह का शुक्र अदा करोगे भाइयों अटैक हर बुजुर्गों का कहना है कि जिस दिन किस्मत साथ दे रही हो उसी दिन राग पाग और साग परफेक्ट बनते हैं वरना हर बार कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है सर बुज़ुर्गों के इस फरमान को आप आसान अल्फाज में समझाएंगे? जी सर सर जिस दिन गाने वाले की किस्मत अरूज पर हो उसी दिन ही वो राग को अपनी पूरी परफेक्शन से गा पाता है एक एक सुर अपनी जगह पे जाके लगता है सर जिस दिन पगड़ी बांधने वाले की किस्मत साथ दे रही हो उस दिन वो ऐसी पगड़ी बांधता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं यही फार्मूला साग पर भी लगता है सर आज किस्मत ने साथ नहीं दिया वरना ऐसा खाना बनाता कि मज़ा आ जाता सर इस जहरीले खाने के बदले में सबकी कमनी एड दबाई दिया तुमने सर मैं सब वापस करने को तैयार हूँ सर कोई ज़रूरत नहीं जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की जिम्मेदारी लगाई जाए तो उसका अंजाम यही होता सब भूखे रह जाते हैं जाओ अब खाली पेट जितने गाने गाने हैं गाओ मेहर गुलाम फरीद राइडिंग क्लब गढ़ महाराजा राणा फरीद राणा क्लब मेलसी चौधरी मकबूल जेलम और बाकर खान अवान चकवाल राइडिंग क्लब मलक जी ये सारे मेहमानों के नाम हैं जी अगर आपको कोई नाम याद है तो बता दें उनको भी मैं दावतनामा भेज देता हूँ जी
ओ मुलाजम हुसैन, एडी वड्डी लिस्ट ममानों की तो तूने मुझे सुना दी है, इनकी शुगल मिले का इंतजाम तूने क्या किया है। मलक जी, घोड़ों के शौकीनों के लिए आपने मलक शाह ज़ैन की मंगनी पर इतनी बड़ी दौड़ तो करवा रहे हैं, और इनको शुगल मेला क्या चाहिए जी? काके, घोड़े तो दौड़ लेंगे, दौड़े किसने गाने? मलक शाह ज़ैन की मंगनी है कोई छोटी बात नहीं है। मैं चाहता हूं ये दोनों शुगल एक साथ, सवेर घोड़ों की दौड़, शामी महफिल मौसिक। पर गल है वे, गाएगा कौन? सारे अच्छे गाने वाले से गुजर गए, ना नूर जा रही, ना नसीम बेगम रहे, ना बिंदी हसन रहे, ते ना ला बख्श नुसरत फतेह अली खान रहे। हाय हाय हाय। हाँ मलक जी, राहत फतेह अली को बुला लेते हैं जी। और रहने दे, राहत फतेह अली खान को बुला लेते हैं, उसने आधी जागीर ले लेनी है मुझसे अपने गाने के चक्कर में। ओ मलक जी, अपनों में ते दिलदार हुसैन दर्द है जी, और खुदा बख्श जख्मी है जी, इनको बुलवाएंगे ना जी तो दौड़ते भी आएंगे जी। ये दिलदार हुसैन दर्द, और टक्के का दर्द नहीं है उसकी आवाज में। ये दूसरा नातू ने क्या लिया है? हाजी खुदा बख्श जख्मी जी, हाजी इसकी खूबी पता क्या है? पैसे कम लेता है और शुगल ज्यादा लगाता है। सच्ची गल है, बड़ी खूबी है फिर ते। चल तेरे पे भरोसा करता हूं मैं, बुला ले। और छोटे मलिक के दोस्तों को लेने कौन गया? अब मैं अभी पता करता हूं मलिक जी। हाँ भाई रशीद, वो मेरे वाल करना अपनी गुत्थी। जी मलिक जी। याद रखी, जो खाना अच्छा नहीं ना पका, एक पूरी देख मैंने तेरे को खिलानी है, बाकी सारी कुत्तों को खिलानी है। मलिक जी, इससे पहले कभी शिकायत का मौका मिला? हाँ, तो नमक तेज हो गया था पिछली दफा। मलिक जी, छोटे मलिक सब खुद ही लेने गए हैं जिनको। तारिक, कैसा है? पेट बिल्कुल, तू सुना? देख ले, पहुंचा नहीं ना वो अभी तक सुसंसान, आने वाली है उसकी बस भी। तू बता कैसा था सफर? ठीक है, उसको फोन तो कर दे कहां पहुंचा है। जी, मैं तो कहता हूं कि आप अभी से मलिक अल्लाह यार के कान में यह बात डाल दें कि हम उसके पोते को अपनी लड़की सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि वो मुझे इलेक्शन में सपोर्ट करे। अभी नहीं, पहले रानी पुत्र को उस घर की रानी बन लेने दे, फिर सब आराम से बात कर लेंगे। तू फिक्र ना कर और जल्दी भी ना कर, जल्दबाजी के काम हमेशा खराब होते हैं। जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं अब्बा जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप मलिक अल्लाह यार से जबान ले लें बस। जब उसका इतना बड़ा पोता ले रहे हैं तो छोटी सी जबान लेने की क्या जरूरत है? आने वाला दौर पोते का है, दादे का नहीं। कम इन सर। यस प्लीज कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। महमूद क्या हाल है? फाइन सर, आप कैसे हैं? ऑल वेल थैंक यू। अच्छा, ये टॉप 30 कैरेट्स की लिस्ट है जिनको आरएमएस सैंडर्स की सिलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनकी तैयारी जो है वो फौरन से स्टार्ट करवा दीजिए। ठीक है सर। एंड बी माइंडफुल के जो फॉरेन मिलिट्री एकेडमी सिलेक्शन की एकेडमी की प्रेपरेटरी पैकेज है उसको लाज़मी कंसल्ट कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, राइट। बाकी सब खैरियत है? ठीक है, ऑल गुड सर। थैंक यू, यू कैन लीव। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स अप?
यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम 30 के बस्ते बंधवा कर हमें घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं? जो तूने किया ना हमारे साथ, इसकी वजह से तुझे ड्रम आउट हो जाना चाहिए। हाँ, 3 हफ्ते गुजर गए यरमूक को, लेकिन अभी तक मुँह से नमक का जायका नहीं गया। काजी को भूल के आगे बढ़ो मेरी जान, कब तक पुरानी बातें याद करके अपना मुँह जलाते रहोगे? यार साथ तू बताया क्यों बुलाया होगा? मुझे क्या मालूम है, कमांडेंट टू पीएमए का मतलब कोई गेस्ट तो होगा। गेस तो यही होगा कि हमारी परफॉर्मेंस से इतना इंप्रेस हुए हैं कि हम तीनों को पीएमए से निकाल देंगे। और क्या कसम से? हाँ ना कर, अगर ऐसा हो गया ना, तेरा भाई जाएगा सीधा तौ से शरीफ और वहां जाके अपनी आजादी की खुशी में पीर पठान के मजार पर दिया जलाऊंगा। नहीं, दिया भी जलाऊंगा, चादर भी चढ़ाऊंगा। ओ, और फिर सारा दिन मैंने खेतों में रहना है, अताउल्ला खां के डोड़े माइये गा के टाइम पास करता रहूंगा। हम तुम्हारे मुलाजिम नहीं है, ठीक है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें दोस्तों की तरह ट्रीट करो। Gentlemen, assalamu alaikum, gentlemen. How are you all? Fine, sir. Good. आप तमाम कैडेट्स को रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडर्स की सिलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसकी बुनियाद आपकी अब तक की पीएमए की परफॉर्मेंस है। इसके बाद आप तमाम कैडेट्स मजीद 4 मराहिल से गुजारे जाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के इम्तिहानात, इंटरव्यूज और GHQ की फाइनल सिलेक्शन शामिल है। जेंटलमैन, दिस विल बी अ टफ एंड डिमांडिंग टास्क एंड ओनली द बेस्ट अमंगस्ट यू विल बी सिलेक्टेड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम भरपूर तैयारी के साथ इस सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मलक अल्लाह यार के दरबार पे आए हुए तमाम दोस्तों को उस्ताद अनवर दरबारी का सलाम पहुंचे, और मलक शाह जैन की मंगनी के इस पूर्व शरत मौका पर मैं आपको अपनी पसंदी की गजल सुनाता हूँ। इसके बाद आस्ता आस्ता आपकी फरमाइशें भी पूरी करूँगा। मलक साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। मेल ने कुमोरा जिया चाहे रे सखी, मेल ने कुमोरा जिया चाहे रे सखी, इतने बिनती मोरी कहियो। जी मलक जी, और ये तो पक्के गाने से शुरू हो गया है, आस्ता आस्ता कच्चे पर आ जाएगा जी, अभी तो बुनियाद बना रहा है। और बुनियाद के साथ साथ ही हमको बेवकूफ भी बना रहा है। तो मलक जी, मुफ्त जो आया? हाँ, फिर ठीक है। जल्दी कर, लेट हो रहे हैं। कहाँ लेट हो रहे हैं, शाह जैन के साथ ही जाना है, आ तो जाए वो। यार काश साथ भी आ जाता, उस मनहूस को बहुत मजा आना था। कसम से अभी स्टेज पे बैठा गा रहा होता इस बंदे के साथ। क्या हम उस आदमी को भूल नहीं सकते? उसने मेरे साथ जो ज्यादती की है, उसके बाद तुम दोनों उसका जिक्र भी कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे घर में मेरे सामने। सॉरी यार। नहीं नहीं, एक मिनट, कौन सा सॉरी, किस बात का सॉरी? हम तेरे घर तेरी खुशी में शामिल होने आए हैं, सॉरी करने नहीं आए। और जो मैंने, तूने और इसने सादे के साथ किया है ना, उसने सिर्फ उसका जवाब दिया। पहले हमारे साथ होता था, आज उसके जिक्र पे तू हमें आंखें दिखा रहे। वाह, वो हमारा दोस्त नहीं है, समझे तुम? हम तुम्हारे मुलाजिम नहीं है, ठीक है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें दोस्तों की तरह ट्रीट करो। साथ के साथ मिला भाई है। अगर मैं उसके साथ मिला होता ना, इस वक्त तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। तुम अपनी गलती मानने के बजाय हमें ये मनवाने की कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ साथ का कसूर था, उसने तुम्हारे साथ जुल्म किया, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर डाला। क्या बकवास कर रहा है तू? तू मुझ पर इल्जाम डाल रहा है?
क्या उस दिन मैंने सबको इकट्ठा करके दिल साफ करने की कोशिश नहीं की थी? ये कैसी कोशिश है? वो तुझे जागीरदार होने के ताने दे रहा है, तू उसे फौजी होने के, ऐसे किया जाता है दिल साफ? चल छोड़ना यार, खुशी का मौका है, बाद में बात कर लेंगे। करेंगे, जरूर करेंगे, और डिटेल में करेंगे ताकि सब कुछ क्लियर हो और हमारी औकात भी, और तुझे और मुझे भी समझ आए कि हम इसके दोस्त हैं या इसके आगे पीछे फिरने वाले चेले। क्या बात कर रहा है यार, ये कोई मौका है ये बात करने का? देख, इसकी हाँ में हाँ मिलाने से ना हमारा नुकसान है, समझाए तू? जब तक ये सच को फेस नहीं करेगा और खुद से और हमसे लड़ना नहीं रुकेगा ना, वही जो गंदगी इसने फैलाई है ना, इसका म्यूजिक मैं और तू नहीं फेस करेंगे, ये खुद करेगा। तेरे साथ गलत किया, तूने उसके साथ किया, हिसाब बराबर ना हो गया, अब भूल जा यार सारी बातें, बात करा उससे मेरी। इसकी बगैरती का क्या लॉजिक है? पढ़ लिख दर्जे का घटिया आदमी है ये, तूने जो मुझे धोखा दिया है ना, सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। पढ़ लिख दर्जे का घटिया आदमी है ये। सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। निशानी थी, वो भी चले गए, ये भी चला गया। एक बात तो बता। हाँ, क्या मेरा भी आर एम में जाना मुमकिन है? मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस कोर्स के टॉप 30 कैडेट्स में से हूँ। पाक फौज में ये वक्त भी आना था? बकवास ना कर, पाक फौज का असासा हूँ मैं। सुबह तो ये असासा तौन से शरीफ के मज़ारों पर चादरें चढ़ाने की बात कर रहा था। वो तो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा बता ना यार, मेरा आर एम में जाना मुमकिन है? दुनिया में कोई काम नामुमकिन है? क्या तू पी एम में आ गया तो वहाँ क्यों नहीं जा सकता? कैसे जा सकता हूँ, तू है, तलहा, हमजा, जवेद, बासर, सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट हो तू। हम सब तो पीछे परचून माल है, वो कवालों के पीछे तालियां बजाने वाले होते हैं ना, वो हैं हम।
अगर तू ताली बजाने वाला होता तो ISSB में अप्लाई करने वाले लाख लड़कों में से फौज तुझे क्यों सिलेक्ट करती? और हमारे कोर्स के 603 लड़कों में से तू टॉप 30 में क्यों आया? इडियट। और हारे से ज्यादा ना मुझे तुझसे डर लग रहा है, मुझे लगता है तू ही जाएगा। दिल रखने के लिए कह रहा है ना? नहीं, दिल से कह रहा हूं। इसी साथ जरा वो नजारा इमेजिन कर जब बस्ती मलूक का गुलजार हुसैन सैंडहर्स्ट में ट्रेनिंग कर रहा हूं, हैं? अंग्रेज तेरे भाई को सलूट मार रहा हूं, खुदा की कसम मजा आ जाएगा। एक तो तुम लोग मुझे बातों में लगा देते हो, पढ़ने दो यार, मुझे जाना है, तैयारी करनी है। मुनाफकत ना कर, जो सवाल पूछा है ना उसका जवाब दे। मेरा ख्याल है कि हमारी दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है। क्या पढ़ रहा है? दिखा तो सही। क्यों डर रहा है? तू ही जाएगा, लिखवा ले मुझसे। लिख दे। ये लिख दिया, हारिस विल गो टू RMA, और साइन भी कर दी। चल अब उठ, इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच आखिरी ओवर में। अब तो भाई तेरा इंग्लैंड जाके ही मैच देखेगा। तू जा, मैं पढ़ता हूँ। अब क्यों पढ़ रहा है? अब लिख तो दिया मैंने। इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि तूने लिखा है, क्योंकि तेरी जबान है काली और उससे निकली हर बात ऐसी फंसती है कि सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। सही है, नहीं जाना तू ना जा, मेरा मैच फंसा हुआ है, मैं जा रहा हूँ। वो कभी कभी यारों दोस्तों को वो बात भी मालूम होती है जो सकी माँ को नहीं मालूम होती। मुझे सच सच बता पुत्र, शाहज़ाल इस रिश्ते पे खुश नहीं है ना? नहीं नहीं दादाजी, वो बहुत खुश है। खुश है? अच्छा, तो पुत्र रात को परी महफिल में सारों के सामने उसने वो रूप क्यों दिखाया जो हमने पहले कभी नहीं देखा था? वो कम से कम मैं तो कभी नहीं देखा सी। तूने तूने देखा था? समझ गया, इसका मतलब है कि तूने देखा भी है, सुना भी है। तो पुत्र है कोई बात जो तूने मुझे बतानी है? कसम मैं भी जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, ये रात होया क्या था? दरअसल दादाजी, ये बात कल रात नहीं शुरू हुई। वो जब हम कॉलेज में थे तो आप उसके घर में रिश्ता लेके जाएं, वो लड़की मेरी पसंद है और मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा। जब अपनों में एक लड़की बैठी है तो फिर तुझे गैरों में जाने की क्या जरूरत है? इसलिए कि ये मेरी गैरत का मामला है। शाहज़ैन उठ जा, पुत्र सवेर हो गई, मुझे बात करनी है तेरे से। सॉरी दादा। किस बात की सॉरी? वो जो मैंने कल रात किया उसकी। जान ले पुत्र, जान ले। और तूने तो सिर्फ एक हारमोनियम भी तोड़ा है ना। अरे ला बख्शे तेरे ताई को, जब उसे किसी गाने वाले की आवाज समझ नहीं आती थी तो परी महफिल में उसको सिंदूर खिला देता था।
सारी उम्र बंदा गाने के काबिल ही नहीं रहता था। बस मुझे एक बात का दुख है, तूने एक बात छुपाई है ना मेरे से? नहीं, मैंने क्या छुपाया? पुत्र, कॉलेज में जो कुछ भी तेरे साथ होया है ना, उस दिन से लेके रात जो है, सारा किस्सा मुझको बयान कर दिया शहरयार ने। पुत्र, जो तूने ये सारी बातें मुझे आप बता दी होती ना, तो हालात कुछ और होने थे। चल कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं किया, रुकवा देते ना तेरी रानी से मंगनी। उस ब्रिगेडियर के पुत्र को तुझे थप्पड़ मारने की सजा, उस लड़की से तेरा रिश्ता तय करा के लेता। लेते हैं उस ब्रिगेडियर से बदला, बनाते ना दुआ को तेरी दुल्हन। उसके लिए चाहे मुझे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा सियासत का, वो आके फिर देखी जाएगी। देते हैं ना जब वापस ब्रिगेडियर को। नहीं दादा, मुझे ना तो किसी को जवाब देना है और ना ही किसी से बदला लेना है, और मैं रानी के साथ ये नहीं कर सकता, उसका दिल नहीं तोड़ सकता मैं। मुझे वो अच्छी लगती है। जिंदा है पुत्र, रब का शुक्र है तूने ना कर दी। जे तू हाँ कर देता ना पुत्र, तो मैंने समझना था कि तेरा जमीर भी मर गया। जिंदा है मेरा पुत्र, जिंदा है। क्या जरूरत थी सब कुछ बताने की? मतलब ए से लेकर जी तक सब कुछ ही बताकर आ गया यार। वो हम सब की आपस की बात थी, पांचवें बंदे की जगह नहीं बनती थी। पांचवां बंदा जो है ना, उसके बाप का बाप है, और मैंने खुद नहीं बताया, उन्होंने उगलवाया मुझसे। हाँ, और तू सब कुछ उगाल कर भी आ गया। नहीं तो क्या करता, झूठ बोलता? झूठ बोल बोल के चीजें छुपा छुपा के ये दिन देखना पड़ा हमें। सच बोलने का भी ना वक्त होता है, और ये वक्त नहीं था। तेरे सच ने कल रात उस सिंगर के तबले फड़वाए, और अब तू अपना सर फड़वाएगा शाहजैन से। गड्डी तैयार है बाऊजी, आपकी लियारी का टाइम होने वाला है। हाँ? चले। अब लेकिन मंगनी का फंक्शन तो अभी रहता है। मलक शाहजैन का हुक्म है जी, शहरयार बाऊ को इज्जत के साथ लारी में बिठा के पिंडी के लिए रवाना करना है जी। तू यहीं रुक, मैं भी आता हूं। पर अगर गया ना, अच्छा नहीं होगा। क्या ये सच है कि तूने तूने शहरयार को कहा है यहां से जाने के लिए? उसने दिल तोड़ा है मेरा, मैं अब ना तो उस पर एतबार कर सकता हूं और ना ही उसे अपने घर में देख सकता हूं। उसे कहो यहां से चला जाए। यार, मैं मानता हूं कि जो कुछ उसने किया है, हो सकता है उसका तरीका ठीक ना हो, लेकिन उसकी नीयत ठीक है। उसने ये सब कुछ अच्छाई के लिए किया है। इसे तू अच्छाई कहता है? उसने दादा को जाकर वो सब बातें बता दी जो हम चारों की अमानत थी। उसने तो ये तक बता दिया कि साद ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। कल तक सिर्फ तीन लोगों के सामने मैं अपना सर नहीं उठा सकता था,
पर आज से अपने ही घर में अपने दादा के सामने सर झुकाकर जीऊंगा मैं। शाज़ेन, यार वो तेरी खुशी में शामिल होने आए। ऐसे होते हैं खुशी में शामिल? कल रात उसने मुझे तेरे सामने जलील किया था और आज सुबह ही सुबह दादा के सामने। समझता क्या है वो अपने आप को? हाँ, मैं कोई गिरा पड़ा नहीं हूं कि हर कोई आके मुझे जलील करके चला जाएगा। सादे का मिशन कामयाब हो गया ना आखिरकार? कर दिया ना उसने सबको अलग? ओ भाई, कोई किसी से अलग नहीं हो रहा, तू सबसे अलग सोच रहा है। पता नहीं किसने तेरे दिमाग में यह बात बिठा दी है कि शहरयार और साद एक तरफ है और तू एक तरफ। और तू, तू किस तरफ है? मैं सबकी तरफ हूं, हम सब दोस्त हैं यार। अच्छा तो ये बता, तू मुझे सही समझता है या साथ को? क्या हो क्या गया तुझे, तू कैसी बातें कर रहा है? तू मुझे सही समझता है या साथ को? इस बात का मैं क्या जवाब दूं तुझे? मैं या साथ? हम सब दोस्त हैं शाज़े। देख एक जवाब दे, तू मुझे कसूरवार ठहराता है या साथ को? तुम दोनों को नहीं, मैं हूं कसूरवार। ना मैं वहां आकर बताता कि दुआ को देख के आऊं, ना तुम लोग वहां जाते, बात ना इतनी आगे बढ़ती। मुनाफकत ना कर, जो सवाल पूछा है ना उसका जवाब दे। मेरा ख्याल है कि हमारी दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है। खुश रहे। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट के मुताबिक जिस कैडेट को रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडस के लिए सेलेक्ट किया गया है वो है Gentlemen, please settle down. Gentlemen, how are you? Fine, sir. जैसा कि आपको पता है कि सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट किया जा चुका है। Gentlemen, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट के मुताबिक जिस कैडेट को रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडस के लिए सेलेक्ट किया गया है वो है Gentlemen कैडेट साहब। Gentlemen कैडेट हारिस रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडस के लिए रिजर्व पर रखे गए हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। फॉर द रेस्ट ऑफ यू जेंटलमैन, वेरी वेल डन, यू ऑल हैव फॉट वेल एंड रिमेंबर दिस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट एज अ सोल्जर।
Keep it up and thank you. रूम में पांच रूम मिलते हैं। कंग्रेचुलेशंस बड़ी। थैंक्स। अगर आप मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मुझे अंगूठी पहनाते तो इस बंधन में बंधने का लुत्फ दोबाला हो जाता। लेकिन अभी भी मैं खुश हूँ इसी बात पे कि मेरा नाम आपके नाम से जुड़ गया है। भाई किधर है अंगूठी? लाओ जी लाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम अपनी प्यारी सी बहू को अंगूठी पहनाते। बिस्मिल्लाह। मेरा बच्चा देखा अगर आप मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मुझे अंगूठी पहनाते तो इस बंधन में बंधने का लुत्फ दोबाला हो जाता। लेकिन अभी भी मैं खुश हूँ इसी बात पे कि मेरा नाम आपके नाम से जुड़ गया है। आप खुश है ना? हाँ। हाँ? हाँ क्या होता है? जरा कुछ फीलिंग्स तो शेयर करें। इस खुशी के पुरमुसरत मौके पर कुछ तो बताएं कि आपके अंदरूनी हालात क्या कह रहे हैं। कुछ तो इजहार करें। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी जल्दी से शादी हो जाए ताकि तुम्हारे आने से मेरा दिमाग भी अपनी जगह पर आ जाए, कुछ और सोच सकूं, कुछ और कर सकूं। पता है तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहा मेरा। सब धोखेबाज और एहसान फरामोश लोग हैं, किसी पर एतबार नहीं रहा मेरा। सर मैं आर्मी नहीं जाना चाहता। तो कितनी देर में पहुंचोगी? कब मिलेंगे हम? अभी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पैकिंग कर लूं। छुपके तो मैंने एक और बात भी सुनी है। साकिब अंकल की बेटी से तुम्हारी शादी की। देखो ना मुझे बादशाह बनने का शौक है और ना ही हुक्म चलाने का। ऑटो। तुम्हारी इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली। आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वजह से नहीं गया। ये क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? मेरी कजन से दूर रहो तुम, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ।